हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर, साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के नाम पर अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लोहित घाटी के किनारे स्थित एक सैन्य अड्डे और इस पर्वतीय क्षेत्र में एक प्रमुख सड़क का नाम रखा गया है। सीडीएस रहते हुए जनरल बिपिन रावत की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। बिपिन रावत के निधन के 9 महीने बाद उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए किबीथू सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया है। जनरल बिपिन रावत के कर्नल के पद पर रहते हुए 1999 से 2000 तक किथिबू में अपनी बटालियन 511 गोरखा राइफल्स की कमान संभाली थी और इलाके में सुरक्षा ढांचा मजबूत करने में काफी योगदान दिया था। इसी वजह से किबीथू सैन्य शिविर और वेलोंग के किबीथू जाने वाली 22 किलोमीटर लंबी सड़क का नाम जनरल रावत के नाम पर रखा गया है। इस नामकरण समारोह में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर रिटायर्ड बीडी मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलीता और जनरल रावत की बेटियां कृतिका और तारिणी शामिल हुई। कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी समारोह में शामिल हुए। राज्यपाल ने इस सैन्य शिविर पर स्थानीय पारंपरिक वास्तुकला शैली से बने एक विशाल प्रवेश द्वार का उद्घाटन भी किया। वहीं मुख्यमंत्री खांडू ने वालोंग से किबीथू तक 22 किलोमीटर लंबी सड़क का नाम जनरल बिपिन रावत मार्ग रखा। इस मौके पर जनरल रावत के एक आदमकद भित्ति चित्र का भी अनावरण किया गया। किबीथू भारत के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में लोहित घाटी के किनारे स्थित एक छोटा सा गांव है। अरुणाचल प्रदेश के औंजा जिले के तहत आने वाले किबीथू को सैन्य दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इस नामकरण समारोह में किबीथू और वालोंग के निवासी भी शामिल हुए। सेना ने कहा कि जनरल बिपिन रावत की दूरदर्शिता इलाके में बुनियादी ढांचे के विकास तथा सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण थी। उसने कहा, दिसंबर 2021 में जनरल बिपिन रावत के असामयिक निधन से देश को अपूरणीय क्षति पहुंची है। सेना ने कहा कि यह समारोह भारत के पहले सीडीएस को सच्ची श्रद्धांजलि है। गौरतलब है कि जनरल रावत का पिछले साल 8 दिसंबर को तमिलनाडु में कुन्नूर के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। इस हादसे में उनकी पत्नी मधुलिका तथा 12 अन्य सैनिकों की भी मौत हो गई थी। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।